साल 2011 के केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार आपको जरूर याद होंगे। आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार की आखिर ये हालत हुई कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे पहला रीजन है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जिनकी उन्हें समझ थी ही नहीं और उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। दूसरा, वो हर महीने 50,000 रुपए के करीब डोनेट करते थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी इस चीज का फायदा उठाया और उनके साथ पैसों की चीटिंग करी। और तीसरा, उनके नए नए पैसों की वजह से बने दोस्तों ने उन्हें बुरी आदतों में ढकेल दिया और इस वजह से उनकी यह हालत हुई। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा पैसा संभालने में दिमाग लगता है। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने भागते हैं, लेकिन तब क्या हो जब आपको चार्जर मिले ही नहीं, या फिर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर चार्जिंग सॉकेट हो ही नहीं, या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो क्या करोगे। ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही है चाइना की लीडिंग मोबाइल कंपनी Xiaomi, जो कि एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे सिर्फ आवाज के थ्रू आपका मोबाइल चार्ज हो सकेगा। इसे साउंड चार्जिंग डिवाइस कहा जा रहा है। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आपके साउंड को इकट्ठा करेगा और उन एनवायरमेंटल वाइब्रेशंस को ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करेगा, फिर मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज किया जाएगा। अब सुनने में ये अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। गाइस, आपको ये टेक्निकल फैक्ट्स सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल ये उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची, यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 trillion खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है, और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बासी रोटी को देखकर ज्यादातर लोग अपना मुंह बना लेते हैं, लेकिन बासी रोटी के फायदे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के रोगियों के लिए बासी रोटी खाना बेहद फायदेमंद है। सुबह के समय बासी रोटी को दूध के साथ खाने से आपके शरीर में शुगर के लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो बासी रोटी खाना बेहद लाभकारी हो सकता है। ठंडे दूध के साथ बासी रोटी को खाने से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा पेट से जुड़ी समस्याओं और एसिडिटी से राहत के लिए भी सुबह के वक्त दूध के साथ बासी रोटी को खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है। बासी रोटी सेहत बनाने वालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज के बाद सुबह बासी रोटी खाने की सलाह दी जाती है। गाइस, आपको बासी रोटी खाने के फायदे सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। ये घटना घटी औरंगाबाद में, जहां पर एक 22 साल की महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खून का बहना बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। तो वहां पर एक सीनियर नर्स थी जिनका नाम था नैनेश्वरी गाटके। उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए।
अब ऐसी अवस्था में अपने बच्चे को दूध पिलाना सबको एक अजीब सा आइडिया लगा, लेकिन फिर भी जैसे ही माँ ने बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया उस माँ की ब्लीडिंग रुक गई। पर सवाल यह था कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूध पिलाने से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे खून के थक्के जमने लगते हैं और फाइनली इसी वजह से उस महिला की ब्लीडिंग रुक गई। ये उस नर्स का 11 साल का एक्सपीरियंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड था जिसकी वजह से माँ की जान बचाई जा सकी। गाइस आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मच्छरों की तादाद ज्यादा बढ़ने से जानलेवा बीमारी डेंगू का खतरा बढ़ जाता है और तालाबों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं क्योंकि वहां पर पानी ठहरा हुआ होता है। अब फरीदाबाद में इसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया। वहां पर तालाबों में 25,000 गंबूजिया मछलियों को छोड़ा गया क्योंकि ये मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा लेती हैं। इससे मच्छरों से डेंगू फैलने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन हाँ, जल भराव वाले स्थानों पर केरोसिन डालने से भी लार्वा नहीं होता और वहां पर भी ये खतरनाक बीमारी इस तरह से रोकी जा सकती है। गाइस ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे हमारा दिमाग खराब होने लगता है। अब देखिए, उन चीजों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समय के हिसाब से ठीक होंगी, लेकिन अपने दिमाग को तो ठीक कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर वन, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। इन दैट केस अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं। नंबर टू, अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो आप क्या करेंगे। जहां पर आपको खुजली हो रही है वहां पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ईचिंग यानी कि खुजली कम हो जाएगी। तीसरा, अगर आपका मूड खराब है तो आप क्या करेंगे। इन दैट केस आप अपने दांत में पेंसिल को होल्ड करके रखिए, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। एंड चौथा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे। इन दैट केस अपनी आईज को आप 1 मिनट तक फास्ट ब्लिंक करिए, आपको नींद का एहसास होने लगेगा। गाइस ऐसे अमेजिंग हैक्स के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस सही है ना। इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।